Now next question is question number 4. Next question is question number 4 of exercise 3.1. Question number 4. Question number 4 is which of the following pair of linear equations are consistent or inconsistent? तो जैसे कि consistent के लिए क्या होता है, या तो a1 by a2 not equal to b1 by b2 होना चाहिए तो consistent होगा, और a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2 तो भी consistent होगा। तो ये दोनों तो केस है consistent के, बट अगर a1 by a2 equal to b1 by b2 and not equal to c1 by c2 तो ये केस होता है inconsistent का। तो पहले तो ये चेक करना है, आपको कहा जा रहा है पहले चेक करो कि कौन सा इसमें से जो पार्ट है वो आपका कंसिस्टेंट है, और फिर ग्राफिकली उसका सॉल्यूशन फाइंड करो ग्राफिकली, ठीक है। तो अगर आप फर्स्ट पार्ट देखो, फर्स्ट पार्ट में क्या x प्लस वाई इक्वल टू फाइव, सही हो गया इक्वेशन नंबर वन। और दूसरी इक्वेशन क्या है, टू एक्स इक्वल टू टेन, सही हो गई इक्वेशन नंबर टू, ये होगी इक्वेशन नंबर टू। अब इक्वेशन वन को हम कंपेयर कर रहे हैं ए वन एक्स प्लस बी वन वाई, अब कांस्टेंट इक्वल टू में तो इक्वल टू सी वन, और इक्वेशन टू को हम कंपेयर कर रहे हैं ए टू एक्स प्लस बी टू वाई। एक बात का ध्यान रखना है, कांस्टेंट दोनों में एक ही साइड होना चाहिए, जैसे अगर यहाँ राइट हैंड साइड में तो यहाँ भी आपको राइट हैंड साइड में रखना होगा। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। और जब आप कंपेयर करोगे तो ए वन क्या हो गया आपका वन, B1 क्या हो गया 1, और C1 क्या हो गया 5, और यहाँ जब आप कंपेयर करोगे तो A2 क्या हो जाएगा 2, B2 क्या हो जाएगा 2, और C2 क्या हो जाएगा आपका 10। अब इसके हिसाब से चेक करते हैं A1 by A2, तो ये तो 1 by 2, B1 by B2 ये भी 1 by 2, और C1 by C2 5 by 10, और ये भी क्या है 1 by 2। तो आप क्या कहोगे, Because a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, therefore consistent। और a1 by a2 equal to b1, इसका जो ग्राफ होता है अगर आपको याद हो मैंने कहा था coincide लाइन बनती है, कैसी लाइन बनती है coincide, तो इसका ग्राफ भी बनाना है। आप देखो क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट, तो ये कंसिस्टेंट है, अगर ये कंसिस्टेंट है तो इसका सॉल्यूशन ग्राफिकली निकालना है, कैसे निकालना है ग्राफिकली, ठीक है। तो आप देखो अब हमें इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन निकालना, राइट। तो पहले इक्वेशन वन में देखो, फ्रॉम इक्वेशन वन कैन आई से दैट एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस वाई, कैन आई से दैट एक्स इज इक्वल टू फाइव माइनस वाई, तो ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, वाई की जगह आप ले लो फाइव, तो एक्स क्या हो जाएगा जीरो, एक्स क्या हो जाएगा जीरो, वाई की जगह आप जीरो ले लो तो 5 माइनस जीरो फाइव, और एक वैल्यू ले लेते हैं y की जगह 2 ले लेते हैं, x क्या हो जाएगा 3, ये तो इसका पॉइंट टेबल आ गया। अब यहाँ जाओ फ्रॉम इक्वेशन टू फर्स्ट ऑफ ऑल देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू क्या है 10, ठीक है। तो देखो 2x प्लस 2y इक्वल टू 10, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 माइनस 2y, तो 2x इक्वल टू अगर मैं यहाँ से कॉमन ले लूँ क्या 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 माइनस वाई, तो 2 से 2 कट गया, ध्यान से देखो सेम वैल्यू नहीं आ गई, तो इसके भी मैं पॉइंट लूँगा तो क्या होगी, यही पॉइंट ले लो इसके भी x y 5 0 0 5 और 2 और 3 पुट आउट, ठीक है। तो जब आप ग्राफ बनाओगे सही हो गया आपका y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस, ये हो गया 0 1 2 3 4 और 5, और ये हो गया 1 2 3
और ये हो गया आपका 5, ठीक है। अब 0 पर कितना है आपका 5, x 0 है, y कितना 5, तो 0 पर कितना आपका 5, तो ये हो गया 5, 5 पे 0 ये हो गया आपका, और 3 पर 2 ये हो गया आपका, राइट। दोनों का यही होगा, दोनों का कुछ ऐसे ही बनेगा जब आप इसको ऐसे लेके जाओगे, तो 3 पर 2 ये का यहाँ आएगा, ठीक है। तो बस यही आपका ग्राफ है, 1 का भी और 2 का भी। अब देखो इसका भी यही है, इसका भी यही है, लाइन क्या कर रही है, कोइंसाइड करेगी, लाइन क्या करेगी, कोइंसाइड, ठीक है। लाइंस बोथ लाइंस विल कोइंसाइड, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन, दैट इज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। भाई जहाँ लाइन इंटरसेक्ट करती है वही तो सॉल्यूशन होता है, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो सॉल्यूशंस कितने होंगे, इनफाइनाइट। समझ में आ गया फर्स्ट पार्ट, ठीक है। अब बताओ दूसरा और कौन सा करवाओ, सेकेंड और थर्ड आपका होमवर्क में रहेगा। पार्ट फोर देखो क्या है आपका, पार्ट फोर इज 2x - 2y - 2 = 0, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। और राइट साइड में क्या, 4x - 5 = 0। अब देखो अगेन दोनों के कांस्टेंट एक ही साइड में है ना, लेफ्ट साइड में, तो अब लेफ्ट साइड के हिसाब से ही सॉल्व कर दो, राइट हैंड साइड में लेके क्यों जाना, इसका भी लेफ्ट साइड में, इसका भी लेफ्ट साइड में, दैट इज। तो इक्वेशन को ऐसे लिखो, इसको कंपेयर करोगे किससे, a1x + b1y + c1 = 0, इस इक्वेशन को कंपेयर करोगे a2x + b2y + c2 = 0, क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ से एक ही विच इम्प्लाइज a1 = 2 b1 = -2 and c1 = -2, इसमें कोई डाउट, क्लियर यहाँ तक, ठीक है। पर यहाँ देखो a2 = क्या हो जाएगा, 4, b2 = -4 और c2 = -5, c2 = क्या हो जाएगा, -5, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब देखो a1 by a2 क्या हो जाएगा, 2/4, that is 1/2, b1 by b2 - 2/-4, ये भी 1/2, माइनस से माइनस कैंसिल, तो अभी तक तो कोई भी केस बन सकता है, फर्स्ट वाला तो है नहीं, सेकेंड और थर्ड में से। अब c1 by c2 देखो, c1 by c2 - 2/-5, क्या ये इक्वल हुआ, नहीं। इसका मतलब बिकॉज a1 by a2 इक्वल टू, भाई पहले तो इक्वल है फिर नॉट इक्वल है, देयरफॉर इनकंसिस्टेंट, और अगर इनकंसिस्टेंट होगा तो आपको कुछ भी नहीं करना, ये मैं पहले भी बता चुका हूँ, ग्राफिकल सॉल्यूशन सिर्फ कंसिस्टेंट के केस में निकलता है, हो गया, चलें आगे, ठीक है। डाउट सेशन लूंगा ना दीदी, अभी बाकी बच्चे भी आ जाए ना, वो तो एग्जाम से पहले एक दिन पहले रख दूंगा, फ्राइडे के आसपास ले लूँगा, सैटरडे को आपका टेस्ट होगा, क्या पता इन बिटवीन कोई होगा। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, हाफ द पैरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ। चलो बात किसकी हो रही है, लेंथ और ब्रेथ, और गार्डन कैसा है, रेक्टेंगल, तो कह रहा है पैरीमीटर का, एक रेक्टेंगुलर गार्डन इसके पैरीमीटर का जो हाफ है, इसके पैरीमीटर का जो हाफ है वो 36 मीटर है, तो इसकी डायमेंशन बतानी है। डायमेंशन का मतलब साइड, डायमेंशन का मतलब क्या होता है, साइड। फर्स्ट ऑफ ऑल इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, तो मैं स्टार लगा देता हूँ, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, अब ये जो चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स मीटर, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स मीटर, यहाँ तक कोई डाउट, क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन भी एक्स मीटर, ब्रेथ एंड ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन भी वाई मीटर, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आपको कहा था केस वन, मैंने कहा था ना दो केस मिलेंगे आपको, जिससे दो इक्वेशन मिलेगी। हाफ द पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स ब्रेथ,
लेंथ जो है यानी कि एक्स वो विड्थ से कितना ज़्यादा है, 4 मीटर ज़्यादा है। अब ये इक्वल कब होगा, जब मैं ब्रेड्थ में 4 ऐड कर दूँ। अगर लेंथ जो है ब्रेड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है तो आप ब्रेड्थ पे 4 ऐड कर दो, तभी तो ये इक्वल होगा, तभी तो ये क्या होगा, इक्वल। तो ये आपकी क्वेश्चन नंबर 1 होगी, ये क्या होगी, क्वेश्चन नंबर 1। समझ में आ गया। केस टू में कहा जा रहा है आपको हाफ द पैरीमीटर, यानी कि हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, हाफ ऑफ पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, ये किसके इक्वल आपका 36 मीटर के, इट इज इक्वल टू 36 मीटर। ये बात समझ में आ रही है, क्लियर है, ठीक है। 2 डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई कर दो, विच इम्प्लाइज पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, विच इम्प्लाइज पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन, 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 72 मीटर। ये आ जाएगा पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्या होता है, वेरी गुड, 2 विद इन ब्रैकेट एल प्लस बी, ये 72 होना चाहिए। अब भैया एल क्या है, एक्स, ब्रेड क्या है, वाई, इक्वल टू क्या होना चाहिए, 72। तो एक्स प्लस वाई क्या हो जाएगा, 72 बाय 2, तो 2 3 6, 2 6 12, तो आपके पास 2 इक्वेशन आ गई, आपके पास कितनी इक्वेशन आ गई, 2, राइट। अब देखो यहाँ से आपके पास एक्स की वैल्यू है कितनी है, वाई प्लस 4, वो मैं यहाँ पुट कर सकता हूँ। तो मैंने क्या कहा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2, फ्रॉम 1 इन इक्वेशन 2, यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स की जगह वाई प्लस 4, मानते हो, फिर प्लस में क्या है, y इक्वल टू क्या है, 36, y प्लस वाई कितना हो गया, 2y, 36 माइनस 4 32, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 32 बाय 2, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 16 आ गया। अब इसको यहाँ पुट कर दो, पुट y इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 1, तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, 16 प्लस 4, विच इज इक्वल टू 20 मीटर। तो बस ये आंसर हो गया कि जो लेंथ है, लेंथ वो कितनी होगी, 20 मीटर, और जो ब्रेड्थ है वो कितनी होगी आपकी, 16 मीटर। समझ में आ गया, क्लियर है यहाँ तक, चलूँ आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, अब इसमें थोड़ा दिमाग लगा के बताना। आपको एक इक्वेशन गिवन है, आपको क्या गिवन है, एक इक्वेशन, इक्वेशन क्या है, 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू, इसको मैं इक्वेशन 1 ले रहा हूँ, इसको मैं क्या ले रहा हूँ, इक्वेशन 1। आपको कहा जा रहा है एक दूसरी इक्वेशन लिखो, आपको क्या कहा जा रहा है, एक दूसरी इक्वेशन लिखो, सो दैट वो दोनों इक्वेशन का जो रिजल्ट है ग्राफिकली वो इंटरसेक्टिंग हो। पहला पार्ट में तो ये कहा जा रहा है, तो वो दूसरी इक्वेशन क्या होनी चाहिए, वो सेकंड इक्वेशन क्या हो, सो दैट दोनों लाइंस का जो ग्राफिकली जो रिजल्ट है वो क्या हो, पैरेलल लाइंस हो, क्या हो, पैरेलल लाइंस, या वो दूसरी इक्वेशंस क्या हो, सो दैट ग्राफिकल जो रिजल्ट है वो हमें क्या देखने को मिले, कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसिडेंट लाइंस, ये आपका क्वेश्चन है। देखो आप ध्यान से सुनो, ध्यान से समझो, पहले तो आपको इनकी कंडीशन पता होनी चाहिए, इंटरसेक्टिंग कब होता है, इंटरसेक्टिंग कब होता है, जब a1 by a2 नॉट इक्वल टू b1 by b2, when a1 by a2 इज नॉट इक्वल टू b1 by b2, एग्री करते हो, और पैरेलल कब होता है, a1 by a2 इक्वल टू b1 by b2 बट नॉट इक्वल टू c1 by c2, एग्री करते हो, और कोइंसाइड कब होता है, कोइंसाइड When a1 by a2 equal to b1 by b2 equal to c1 by c2, ठीक है। अब इसके केस में वो इक्वेशन क्या होनी चाहिए, मान लो मैंने ये ले लिया, x का कोएफिशिएंट ले लिया 4x, अब मुझे पता 2 by 4 क्या है, 1 by 2, तो यहाँ पे 1 by 2 नहीं बनना चाहिए, 8 by ले लो, बस 3 by 8, 1 by 2 हो गई नहीं, आगे कुछ भी लिख दो, -11 = 0, तो ये तो फर्स्ट पार्ट का हो गया,
यानी कि इसके साथ जो यहाँ पर दूसरी इक्वेशन बने होगी वो ये होगी, इसमें रिजल्ट आपको ये मिल जाएगा, समझ पा रहे हो? तो इस तरह से आपको इक्वेशन के हिसाब से चलना है। अच्छा अब यहाँ आ जाओ, यहाँ मैंने ले लिया 4x यस प्लस 6y कर दिया, तो 1/2 तो दोनों को बना दिया, अब इसको नहीं बनाना 1/2, यहाँ 17 ले लो, कुछ भी ले लो, बस 1/2 नहीं बनना चाहिए। तो इस केस में सेकेंड इक्वेशन ये आ जाएगी, अब इसमें सभी का डबल कर दो, तो ये हो गया 4x प्लस 6y माइनस, ताकि माइनस से माइनस कट के, तो माइनस 16 इक्वल टू 0, इस केस में सेकेंड इक्वेशन ये आ जाएगी, समझ आ रहा है? क्योंकि माइनस 8 बाय माइनस 16 करोगे तो भी वो कैंसिल होके 1/2 ही देगा आपको, वो कैंसिल होके आपको क्या देगा 1/2, समझ पा रहे हो? चलूँ आगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7 विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन। देखो आपको दो इक्वेशंस गिवन है, गिवन इक्वेशन आर x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, दिस इज इक्वेशन नंबर 1, और सेकेंड इक्वेशन क्या है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन। तो पहले तो आपको ग्राफ बनाना है, जब आप ग्राफिकली बनाओगे इसको तो एक ट्रायंगल बनेगा। देखो क्या लिखा हुआ क्वेश्चन में, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मड बाय दीज लाइंस एंड द एक्स एक्सिस एंड शेड द ट्रायंगुलर रीजन। तो सबसे पहले तो आपको ग्राफ बनाना है, क्या बनाना है ग्राफ। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन वन, क्या ना से दैट एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस वन, तो भैया इसको x ले लो, इसको y ले लो। अब अगर y को 1 लेते हो तो ये 0, y को 0 लेते हो तो माइनस 1, और y को 3 लेते हो तो 2। कुछ भी लेके तो भी ट्रायंगल ही बनेगा, कुछ भी लो दीदी वो तो बनना ही है, देर हो गया तक, ठीक है आगे आ जाओ जी, आगे आ जाओ। इसके बाद देखो फ्रॉम इक्वेशन टू ऐसे यहाँ पे करो, 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस 12 यहाँ जाके प्लस, और प्लस 2y यहाँ जाके माइनस 2y, तो x इक्वल टू क्या हो गया 12 माइनस 2y बाय 3। अब कोशिश ये करनी है कि y की ऐसी वैल्यू लो रखने के बाद जो नंबर है 3 से डिविजिबल हो। जैसे अगर मैं y की जगह 0 लेता हूँ, क्या लेता हूँ 0, तो ये 0 ही हो जाएगा, और 12 बाय 3 क्या हो जाएगा 4, 12 बाय 3 क्या हो जाएगा 4, ठीक है। और y की जगह अगर मैं 3 लेता हूँ तो 3 टू जा 6, 12 माइनस 6 6, 6 बाय 3 2, y की जगह 6 ले लो, 6 टू जा 12, 12 माइनस 12 0, 0 बाय 3 0, समझ पा रहे हो? क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। अब यहाँ आप ग्राफ बनाओ, तो मान लेते हैं ये हो गया 0, 1, 2, 3, 4, से बड़ी है कोई वैल्यू 5 और 6, ये आपका क्या हो गया x एक्सिस हो गया, इस तरह यहाँ देखो माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 4 माइनस 5 माइनस 6, चलो जी यहाँ भी ले लिया, ये x डैश हो गया, ये x हो गया, ये क्या हो गया आपका x। अब यहाँ देखो, यहाँ ये हो गया आपका 1, ये हो गया आपका 2, 3, 4, 5 और 6, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। और इसी तरह से आप नीचे आ जाओ, तो ये हो गया मान लो आपका माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 और माइनस 6, ये क्लियर हो गया, ठीक है। अब जब आप ग्राफ बनाओगे तो पहला क्या 0 से 1, 0 पे 1, x 0 y 1, तो ये वाला पॉइंट होगा, यही होगा, फिर माइनस 1 0 ये वाला पॉइंट होगा, यही होगा, 2 पर 3 ये वाला पॉइंट होगा। तो जब आप इसको ड्रॉ करोगे ये लाइन कुछ आपकी ऐसे जाएगी, ये लाइन कुछ आपकी ऐसे जा रही है ना, तो इसमें ये 2-3 पॉइंट आ गई है, ठीक है जी। फिर क्या है 4 पे 0 ये वाला पॉइंट हो गया, 2 पर 3 ये कॉमन पॉइंट आ गया 2 पर 3, और 0 पर 6 ये हो गया। अब ये जब आप बनाओगे जब आप ग्राफिकली बनाओगे तो ये लाइन कुछ आपकी ऐसे जाएगी ऐसे,
ठीक है। अब ये जो दो लाइन और एक्स एक्सिस, ये दो लाइन और एक्स एक्सिस, तो अगर मैं इसको शेड करता हूँ, अगर मैं इसको शेड करता हूँ तो ये आपका ट्रायंगुलर रीजन है, ये आपका क्या है, ट्रायंगुलर रीजन। अब इसमें अगर हम पॉइंट्स की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं पॉइंट्स की, तो ये वाला जो वर्टेक्स है से ये हो गया वर्टेक्स ए, और ये पॉइंट क्या है आपका 2.3, ये पॉइंट क्या है 2.3। इस वाले पॉइंट को ये वर्टेक्स ले लो पॉइंट बी, और ये पॉइंट क्या है आपका -1.0, और ये वाला पॉइंट हो गया वर्टेक्स सी, इसको आप ले लो 4.0। तो यही आपका क्वेश्चन था, यही आपका क्वेश्चन था, समझ में आ गया कि ट्रायंगुलर रीजन के वर्टेक्स बताओ और उसको शेड करो, एंड दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई, एक्सरसाइज कंप्लीट, ठीक है। दिस इज फॉर टुडेज क्लास, आई होप यू लाइक दिस क्लास, एंड इफ यू लाइक दिस क्लास देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। बेल आइकन प्रेस करने से क्या होगा, जो भी मैं लेक्चर अपलोड करूंगा यू विल गेट द नोटिफिकेशन ऑफ दैट लेक्चर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जहां तक आपके मैथ्स कोर्स की बात है, कंप्लीट मैथमेटिक्स कोर्स की जो प्लेलिस्ट का लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। सो बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट डे।